Deepak. Thank you.
कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसा बोला जाता है नहीं यार लड़के ज्यादा डिजर्व करते हैं लड़कियां कम डिजर्व करती हैं।
सो कहीं ना कहीं वो चीज़ आज भी है हिंदुस्तान में और भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आज भी गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करवा दिया जाता है, लड़कियों को मार दिया जाता है सिर्फ ये सोचकर कि इन पे तो खर्चा पूरी ज़िंदगी में बहुत होगा, ये रिवॉर्ड में कुछ नहीं देने वाली है। सो मुझे लगता है इस दिन को मनाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम उस सोच को कहीं ना कहीं हिट कर पाए और ग्लोबली ये कह सकें कि आज का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि अब हम जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म कर सकें। अगर वाकई मेरे पास पावर होता तो आज की डेट में जितने रेप केसेस हो रहे हैं मैं सबसे पहले चाहती कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिकॉज दीज केसेस आर रियली डिस्गस्टिंग। मतलब थोड़ी देर के बाद ना शब्द ख़त्म हो जाते हैं कि आप क्या कहो उन केसेस को लेके। हर दिन न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है जहाँ पर आता है कि कितने रेप केसेस हुए या कितना क्या हुआ। सो अगर मेरे पास पावर होता तो सबसे पहले मैं ये ख़त्म करना चाहती। दूसरी चीज़ जेंडर इनइक्वालिटी, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जो हम भेद कर देते हैं ना, लड़का लड़की ये कर सकता है ये नहीं कर सकती, सो वो डूज एंड डोंट्स आप बच्चों को बनाने दो ना अपने लिए। आप क्यों बिल्ड कर रहे हो, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लड़का है वो बहुत कुछ कर सकता है एंड क्योंकि सिर्फ लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दीज टू थिंग्स आर द थिंग्स आई रियली वांट। मुझे गाउन पहनने का बहाना चाहिए होता है। आज क्योंकि ब्रंच है तो मैंने रेड और ब्लैक कलर का गाउन पहना, आज वुमेन्स डे एक्चुअली है और ये काफ़ी सोबर सा डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा घेरे वाला भी नहीं है, इसको कैरी करना इजी है, मैं खुद लाइट फील कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लस आज मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं HSC के, सो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा शूट एग्ज़ाम तो ऐसा लग रहा था मैं जगलर बन गई हूँ, जगल कर रही हूँ। काफ़ी दिन बाद मैंने हेयर वॉश किया, मेरे बाल अभी भी गीले हैं, सो मैंने सिर्फ डिसाइड किया कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बालों को खुला छोड़ूँगी और क्लच और मोबाइल तो बेसिक चीज़ है। खास करके औरतों के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप दिल से बहुत सुंदर हैं और भगवान ने एक बोलते हैं ना एक अंडरकरंट पावर फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा दिया है। सो हमेशा खुश रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। सोचली कई चीज़ें होती हैं जो आपको डिमोरलाइज करें, पर आप हमेशा अपने आप को अपने विल पावर से बूस्ट करके रखें। कीप द स्माइल। थैंक यू।